नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं जो कि आप लगातार करीब एक महीने से पूछ रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले एक अपनी अनबॉक्सिंग करी थी लिनोवो आइडिया पैड की, जो कि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक लैपटॉप परचेज किया था। उसकी कीमत की अगर बात करी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कम थी और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि i3 प्रोसेसर में उससे कम कीमत में आपको लैपटॉप मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे जो कि उस समय डाउट क्लियर नहीं हुए थे, लेकिन जब मैंने उसे इस्तेमाल किया तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होने लगी और कहाँ पर स्टैंड करता है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, और अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हैं, YouTube पर वीडियोस बनाते हैं, तो आपके लिए क्या ये लैपटॉप लेना फ़ायदेमंद होगा या नहीं, ये भी हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करी जाए उसकी कीमत की, तो यहाँ पर उसकी कीमत जो मैंने वहाँ पर दिखाई थी वो लगभग 21,500 रुपये के आसपास थी। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ क्या थी, लेकिन 21,500 रुपये से के आसपास ही बैठ रही थी। लेकिन अगर अभी हम उसकी बात करें तो वो आपको लगभग 24,000 या 25,000 रुपये दिखा रहा होगा और कभी कभी 26 या 27 भी दिखाने लगता है। लेकिन ये मैंने दिवाली के समय परचेज़ किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस टाइम कि जो मेरे पास पहले लैपटॉप था वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बूढ़ा हो चुका था, तो मुझे उसे रिप्लेस करना था और मुझे एक नॉर्मल वर्क के लिए एक i3 प्रोसेसर चाहिए था कि थोड़ी बहुत कभी कभी फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है या एंड्रॉयड मोबाइल को कनेक्ट कराना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मैकबुक के साथ, तो वहाँ पर मुझे उस छोटे छोटे काम के लिए ये चीज़ चाहिए थी। तो मैंने इसे जब परचेज़ किया तो लोगों के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बन रहे थे उसके बारे में, उसकी अनबॉक्सिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। परचेज़ करने का मूड हो तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि उसकी बैटरी को लेकर, कि उसमें बैटरी कितने घंटे चलती है। दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस लैपटॉप के साथ, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया है ये भी मैं बोल देता हूँ, लेकिन जितना इस्तेमाल किया है उस हिसाब से अभी तक कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है। हालांकि मैं चार्जिंग में भी लगाता रहता हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये लगभग 3 से 3.5 घंटा तक खींच के ले जा सकता है। इसके बाद बैटरी लगभग आपकी 20% या 15% के आसपास बचेगी, जो कि आपकी एक तरीके से रिजर्व रहेगी इमरजेंसी के लिए। बाकी ये हाइबरनेट होना शुरू हो जाता है, 10% से नीचे जैसे ही जाती है, 5% बचती है तो ये हाइबरनेट हो जाता है, लेकिन बैटरी के मामले में उतना अच्छा नहीं है। हालांकि बॉक्स पे जो मेंशन था वो था कि लगभग 6 घंटे तक चलेगा, तो उसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ही परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप सोच के चलते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए स्क्रीन की क्वालिटी का, तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज़्यादा आप अगर उसे सोच रहे हैं, क्योंकि मैं मैकबुक इस्तेमाल करता हूँ तो वहाँ पर क्वालिटी की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं स्क्रीन उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, जो कि मेरा मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है इस लैपटॉप के साथ। ब्राइटनेस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए कि जो उसका टच पैड है, ट्रैक पैड है, तो उसकी स्मूथनेस कैसी रहती है, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है कि ट्रैक पैड उतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि मैकबुक करके इस्तेमाल करके आदत हो गई पूरी तरीके से ख़राब, तो आजकल जो है उस पर उंगलियाँ चलती नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, मैं ज़्यादातर माउस ही कनेक्ट कर लेता हूँ उससे, तो ट्रैक पैड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो पूरा 180 डिग्री घूम जाता है, टिल्टिंग फीचर है उसमें, तो ये तो बहुत अच्छा है। कभी हालांकि ऐसा नहीं है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन फिर भी आप अपने बैठने के हिसाब से उसके एंगल को सेट कर सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए एडिटिंग के लिए, तो सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पर यही रहता है कि एडिटिंग के लिए क्या ये सही होगा या नहीं। दोस्तों अगर आपका बजट मतलब एक लिमिटेड है, आप ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते, एक बेसिक लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैंने इसमें फिल्मोरा इस्तेमाल किया है और रेंडर टाइम लगभग रहता है आधे घंटे के आसपास, अगर आपकी वीडियो 7 या 8 मिनट की है तो मुझे ऐसा लगता है कि यानी कि अगर आप उसमें ज़्यादा लेयर्स बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा रेंडर करने में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज़ अगर आप 2 या 3 लेयर पर काम करते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, 3 लेयर तक चल जाता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अटकने सा लगता है। पॉइंट अगर देखा जाए कि क्या एक यूट्यूबर के लिए ये एकदम परफेक्ट होगा, तो शायद पहले देखा जाए तो मैं यही बोल दूँ कि शायद एकदम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका बजट एक लिमिटेड है, आप जो है 20,000 के आसपास ही खर्च करना चाहते
चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट ऑप्शन ये रहेगा। वजह इसकी ये है कि देखिए दिक्कत तो आएगी ही, उसमें कुछ सोच नहीं सकते, मतलब उसमें आप उससे बच नहीं सकते, लेकिन दिक्कत उतनी नहीं आएगी जितनी किसी अदर मॉडल के साथ आएगी। एक तरीके से काम चल जाएगा। अगर आप बेसिक एडिटिंग करते हैं तो आप ये ठीक है एक तरीके से, लेकिन अगर आप जो है कॉमेडी वगैरह बनाते हैं, आपको काफ़ी अच्छी एडिटिंग करनी पड़ती है उसमें, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मात खा जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या उसमें सीडी ड्राइव है या नहीं, तो उसके लिए तो यही कहेंगे कि उसमें स्लॉट दे रखा है आपको, अगर आप चाहें तो उसमें अलग से लगवा सकते हैं, बाकी कंपनी ने आपको नहीं दी है, तो ये एक पॉइंट आपको देखना होगा। तो ये कुछ बेसिक से डिटेल्स हैं इस लैपटॉप के बारे में जो बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई। और देखा जाए इस लैपटॉप को तो यहाँ पर कीमत को देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहता है, अच्छी बात तो ये है। और अगर आप एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हो, बच्चों के लिए लेना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 10 पर चलता है, एकदम स्मूथनेस देखने को मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि होम पर्पस तो एकदम परफेक्ट रहेगा, बाकी कॉमर्शियल यूज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये लैपटॉप कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अनबॉक्सिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं आज की इस वीडियो में, इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।